हेलो फ्रेंड्स, आज चल रही हूँ ये चने की दाल का हलवा बनाने के लिए। तो कैसे बनाया जाएगा, तो ये मैं चल रही हूँ। सबसे पहले दाल को धो लिया है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको ढक करके रख देती हूँ, तो 1 घंटे में फौरन ये फूल जाएगी दाल बहुत ही अच्छी। तो ये गर्म पानी मैंने डाला है फुलाने के लिए, तो ये देखिए 1 घंटे में हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी फूल चुकी है दाल। ये देखिए सारी, तो तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी ये टूट रही है, बहुत ही चूरा चूरा हो रही है टूट के यानी। तो अब ये देखती हूँ, इसे साइड में रखती हूँ दूसरा प्रेशर करने के लिए। तो ये दाल हमारी अच्छी फूल चुकी है, तो इसको एक कुकर लेती हूँ, कुकर में सारी पलट लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा इसमें दूध डालना है। तो दूध और चने दाल को दोनों को मिला करके आपस में उबालना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। ये हमारी 500 ग्राम दाल है और इसमें दूध मैंने 300 ग्राम डाला है उबालने के लिए। तो ये चने की दाल हमारी उबल रही है एक साइड, तो दूसरी साइड चल रही है उसको चाशनी बनाने के लिए। तो ये हमने चीनी इसमें डाली है 400 ग्राम, तो मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आधी किलो में 400 ग्राम चीनी डाली है, बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। और 1 कप पानी डाल करके रख दिया चाशनी के लिए। और अब देख रही हूँ दाल कैसी उबल गई है, तो ये देखिए हमारी बहुत ही परफेक्ट दिख रही है दाल। और दूध हमारा सारा सूख गया है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल ही मलाई जैसी दाल हमारी गल चुकी है। तो एक मैसर की मदद से इसको मैश कर लेती हूँ, तो बहुत ही इजली ये मैश हो जाएगी। इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, यूं ही चलाते रहना है और बहुत ही इजली है मैच हो जाएगी दाल बिल्कुल ही। हमें मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो बिना मशीन से इस मैसर से दाल घुटनी से ये मैच कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिल पे पीसो या मिक्सी में पीसो, अगर नहीं है तो हम कुकर की मदद से और एक मैसर की मदद से हम दाल को पीस सकते हैं। तो ये दाल हमारी पीस चुकी है सारी, मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, बिल्कुल ही बारीक स्मूथ सी पीसी है ये दाल। तो दाल निकाल के साइड में रख दिया और थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला है, करीब 2 चम्मच डाल रही हूँ घी। 2 चम्मच में बहुत ही परफेक्ट ये हलवा बनने वाला है, चने की दाल का खुशबूदार बनेगा। तो ये सारी दाल जो पीस के मिक्सर से रखी थी मैचर से, तो सारा इसको सुखा लेना है और गैस को हाई लो करते हुए बहुत ही इजली है दाल हमारी सूख जाएगी। इसका जो पानी है दाल का उसको सुखाना है, तो बस चलाते रहना है, तो बहुत ही जल्दी ये सूख जाएगी ये दाल, मतलब पानी सुखा देगी वापस हमारी ये परफेक्ट हलवा के रूप में आ जाएगी। तो ये देखना कितना ये खुली खुली दाल सारी हो चुकी है और जैसी खुशबू आने लगे दाल में, तो समझ लो ये दाल परफेक्ट हमारी भुन गई है, अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इसको अब साइड में हटा लेती हूँ और चलती हूँ चाशनी के लिए। तो इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है परफेक्ट वाली, इसमें कोई तार वाली मुझको नहीं बनानी है, गाढ़ी वाली बनानी है। तो जैसे ये गाढ़ी चाशनी बन जाए, देर से मतलब धीरे, तो ये ड्रॉप एक एक गिर रहा है, तो एक एक ड्रॉप जैसे गिरे देर से, समझ लो हमारी चाशनी परफेक्ट वाली तैयार हो चुकी है। तो गैस को हमने बंद कर दिया है, इस वक्त चाशनी सारी पलट देती हूँ उसी चने की दाल में और इसको अच्छी तरीके से चला देना है, मिक्स करना है। और गैस को इस वक्त हमने बंद कर दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अभी चालू करूँगी गैस को, अभी इस वक्त तो हमारी ये गैस बंद है। बंद करके ही मिलाना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना रहें, लम्स नहीं पड़े। और ये मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, ये थोड़ा फूड कलर डाला है, थोड़ा लाइट कलर लाने के लिए। अब इसको मैश कर लेना है, तो ये देखिए थोड़ा फूड कलर डालने से थोड़ा कलर अच्छा दिखने लगा है। थोड़ा सा घी ट्रे में लगा लेती हूँ, अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें बर्तन को, ताकि ये चने की दाल की कतलियाँ हमारी आराम से निकल जाएँ परफेक्ट वाली। तो ये देखिए सारा डो हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इस स्टेज पे फौरन एक बर्तन में जो घी लगा के रखा था,
तो उसमें ये पलट लेती हूँ सारा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो इस प्रकार से बनाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ही यूनिक तरीके से बनाया गया ये हलवा है और बिल्कुल कम समय में तैयार हो गया ये है। तो ये जब भी आप मन करे जब भी बना करके खा सकते हैं, अपने बच्चे मेहमान के आगे, बच्चों के आगे रख सकते हैं, आए हुए मेहमान के आगे बिल्कुल ही परफेक्ट असली वाला हलवा बना के खिलाएं। तो ये थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से, पिस्ते बादाम से। तो ये इसको कलछे की मदद से चिपका देती हूँ ड्राई फ्रूट को, और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ एक घंटे के लगभग में। अगर ज़्यादा जल्दी है तो ये फ्रिज में आप रख सकते हैं, तो उसमें 10 मिनट के लिए रख दें तो फौरन ये अच्छी ये जम जाएगी बर्फ़ी हमारी। तो इसको बाद एक घंटे के लिए लगभग रख रही हूँ बाहर। तो ये देखिए एक घंटा हो चुका है, तो ये साइड में काट करके आपको दिखा रही हूँ कतली के फॉर्म में। तो ये कतली अपने मनपसंद चौकोर या बर्फ़ी वाली कटिंग करनी है, लेकिन मैं चौकोर वाली ही बना रही हूँ, कतली वाली नहीं बना रही हूँ, चौकोर बर्फ़ी वाली डिजाइन दे रही हूँ। तो ये देखने में बहुत ही अच्छी सुंदर लग रही है, तो खाने में देख क्या कितनी सुंदर होगी। तो आप लोग ज़रूर एक बार बनाएं, इस प्रकार से बहुत ही कम समय में बनने वाली ये रेसिपी है और कम समय में बन के तैयार हो गई पूरा हमारा हलवा। 1 kg तैयार हो चुका हमारा ये है, और बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बना है, बच्चे बूढ़े कोई भी खाए। और बहुत ही बढ़िया वाली ये बन के तैयार हुई है रेसिपी। चने की दाल का हलवा तो सबों को पसंद आता है, तो मैंने सोचा चलो चने के दाल का ही बनाती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा बन के फौरन निकल रही है, यूं ही बिल्कुल ही अलग अलग एक एक पीस यूं ही निकल रहे हैं, इतने परफेक्ट बनी है ये कि बस पूछो नहीं, तारीफ क्या कोई करेगा। जब आप लोग बनाएंगे जब ही